हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह, ये हमारी स्पेशल टॉपिक की क्लास है। आज हम बात करने वाले हैं पीएम इंटर्नशिप योजना की। भारत युवाओं का देश है और युवाओं के सामने आज सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है रोजगार की। ना सिर्फ जो पढ़े लिखे नहीं है उनके सामने, बल्कि जो पढ़े लिखे हैं उनके सामने भी रोजगार पाने का एक बड़ी समस्या यहां पर उपस्थित है। अगर आप पढ़े लिखे हैं और रोजगार देख लेने के लिए जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपको वर्क एक्सपीरियंस कितने घंटे का है, कितना आपने काम किया है, कहाँ कहाँ काम किया है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और कोई भी ऐसे व्यक्ति को काम नहीं देना जाता जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी केंद्र सरकार ने पीएम इंटर्नशिप योजना को प्रारंभ किया है। अब ये जो योजना है, इसकी शुभारंभ करने की जो बात की गई थी, ये वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई थी और अब जाके इस योजना को प्रारंभ किया गया है। तो आज हम जानेंगे कि इस योजना के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान शामिल किए गए हैं और इस योजना में क्या क्या महत्वपूर्ण टर्म एंड कंडीशंस को शामिल किया गया है, कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है और इस योजना के तहत आपको क्या क्या स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा। तो भारत में ऐसे लोग जो पहले से डिग्रीधारी हैं या फिर जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं लेकिन स्किल ना होने की वजह से उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोगों को सरकार यहां पर क्या करना चाहती है, स्किल्ड बनाना चाहती है, उन लोगों को एक्सपीरियंस अनुभव करवाना चाहती है। तो ये योजना आपकी जो घोषणा की गई थी, ये की गई थी इसकी वित्त वर्ष 2024-25 में। और इस योजना का जो मुख्य प्रावधान है, सरकार यहां पर 500 कंपनियों को लिस्ट कर रही है, पूरे देश से 500 कंपनियों को चुना और इन कंपनियों का कार्य ये होगा कि ये कंपनियां आने वाले 5 वर्षों में, आने वाले 5 वर्षों में लगभग 1 करोड़ लोगों को स्किल्ड करेगी, 1 करोड़ लोगों को यहां पर काम सिखाएगी। ये इस योजना का मुख्य प्रावधान है। अब बात आती है किन लोगों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है और मुख्य प्रावधान क्या क्या है। देखो, सब आते हैं यहां पर, शुरुआत करते हैं। ये जो योजना है, युवाओं को नौकरी के लिए स्किल डेवलप करने के लिए, उनके अंदर कुछ विशेष रुचियां हैं वो भी सीखे, कार्य कैसे किया जा सकता है एक बार बताओ। जैसे अभी आप रोजगार लेने जाते हो, सामने वाला आपसे पूछेगा स्किल्ड हो, आप बोलोगे हमें एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर आप 1 साल का स्किल्ड प्रोग्राम कर ले, फिर आप कहीं पर रोजगार लेने जाए, आपसे पूछेगा रोजगार है, तो आप बोलेंगे हाँ भैया हमने स्किल्ड है, हमने यहाँ पर रोजगार या फिर हमने यहाँ पर कार्य किया है, तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास रहेगा। किसने शुरू किया है? केंद्र सरकार की ओर से इसे शुरू किया गया है। इस योजना की जो अवधि है 1 वर्ष है, मतलब इसमें आपको 1 वर्ष के लिए स्किल्ड प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। देखो, अब इसमें होना क्या है, सरकार ने एक वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट में आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। जैसे आप किसी कंपटीशन का फॉर्म भरते हो, उससे पहले अभी पूरी डिटेल देते हो, उसी प्रकार से आपको वेबसाइट पर रजिस्टर। और सरकार ने पहले से इन 500 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट करके रखा है, ठीक। अब ये जो 500 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट करके रखा है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उनमें गवर्नमेंट छटनी करेगी, कुछ चुनिंदा लोगों को लेगी और उनके नाम इन 500 कंपनियों के पास भेजेगी और कंपनी से कहेगी इन लोगों को आप स्किल्ड करोगे। तो आने वाले 1 वर्ष तक ये कंपनियां उन लोगों को अपने यहाँ काम करने का मौका देंगी और काम करने के मौके के साथ साथ इन्हें स्किल्ड करेंगी, उन चीज के बारे में बारीकियां सिखाएंगी, ठीक। ये इस योजना का उद्देश्य है, जिससे आप लोग कुशल हो सकें। अब देखो, योजना में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इस रजिस्ट्रेशन में जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो, फिर उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ यहां पर प्रावधान किए गए, ठीक है। अब देखो,
पीएम इंटर्नशिप जो योजना है इसमें आपको एक्सपीरियंस तो दिया जा रहा है कंपनियों द्वारा, साथ में प्रति माह 5,000 रुपए भी मिलेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जब इंटर्नशिप प्रोग्राम में शामिल होंगे तो एक वर्ष का ये प्रोग्राम होगा, यानी कि 12 माह का, ठीक है। अब एक वर्ष तक आप किसी काम में कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो यहां पर सरकार ने व्यवस्था की है कि हम एक वर्ष के पूरे समय के दौरान 66,000 रुपए जो व्यक्ति स्किल्ड होने की ट्रेनिंग में है उसको प्रदान करेंगे। वो कैसे की जाएगी, तो देखो 12 माह है और हर माह आपको 5,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो 12 माह को जब 5,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा ये आपका 60 के आसपास, ठीक है। और फिर यहां पर जब आप योजना में शामिल होंगे स्किल्ड होने के लिए शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में 6,000 रुपए की एक मुफ्त राशि आपको प्रदान की जाएगी, तो 66,000 रुपए साल भर में आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब बात आती है कि जो 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं प्रति माह, इन पैसे को कौन देगा, सरकार देगी या कंपनी देगी। तो इसमें भी एक प्रावधान किया गया है कि 5,000 रुपए जो प्रति माह मिलेंगे उसमें से 4,500 रुपए तो देगी सरकार और 500 रुपए देगी आपको कंपनी, जहां पर आप स्किल्ड कंपनी स्किल्ड होने के लिए जा रही, ठीक है। तो 4,500 सरकार दे रही है, 5,500 रुपए देगी आपको कौन, कंपनी। इस प्रकार से आपको प्रति माह 5,000, तो 12 महीने में हो गए आपके 60,000 और शुरुआत में आपको 6,000 रुपए अलग से मिलेंगे। तो इस हिसाब से आपको साल भर में 66,000 रुपए भी प्राप्त होंगे, मतलब स्किल्ड भी मिलेगा पैसे भी मिलेंगे। अब बात आती है कौन ले सकता है इस योजना का लाभ। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ प्रावधान किए गए। सबसे पहला प्रावधान है कि ऐसे कैंडिडेट इस योजना में शामिल हो सकते हैं जिनकी आयु 21 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक है। सबसे पहले प्रावधान है कि आपकी आयु 21 से 24 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा, यहां पर आप देखेंगे कैंडिडेट किसी फुल टाइम जॉब में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले से जॉब में है और सरकार की इस योजना का लाभ भी ले लो, ना, बेरोजगार होना चाहिए। और बेरोजगार कैसा, शुद्ध बेरोजगार, समझ गए। अब आ जाए यहां पर एजुकेशन में शामिल ना हो, जो लाभार्थी शामिल होना चाहते हैं वो पढ़ाई लिखाई ना कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, एजुकेशन शामिल ना हो, किसी फुल टाइम रोजगार में ना हो। अब यहां पर आप देखो ऑनलाइन व डिस्टेंस से पढ़ाई कर रहे इंटर्नशिप के लिए योग्य होंगे। जो व्यक्ति ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं या फिर डिस्टेंस से पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे लोग भी पात्र होंगे इस योजना का लाभ लेने के लिए। अब इस इंटर्नशिप पोर्टल की शुरुआत की जा चुकी है 3 अक्टूबर को और इस पर जो इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन होंगे ये 12 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएंगे और तथा 25 अक्टूबर तक ये रजिस्ट्रेशन चलेंगे। फिर 26 अक्टूबर को सरकार इन कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करेगी और इस लिस्ट को भेज देगी इन 500 कंपनियों के पास में, ठीक है। अब बात आती है कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत कौन कौन योग्य नहीं होंगे, कौन कौन शामिल नहीं हो सकते। तो ऐसे लोग शामिल नहीं हो सकते जो आईआईटी या फिर आईआईएम से स्नातक है, जिन्होंने आईआईटी या आईआईएम से पढ़ाई की है। सरकार ने कहा तुम आईआईटी आईआईएम के बाद भी बेरोजगार हो तो क्या गारंटी है कि स्किल्ड होने के बाद रोजगार मिल जाएगा, तो जो बच्चे बैठे हुए उनको ले ले दो रोजगार, है ना। तो आईआईटी आईआईएम जैसे जो महत्वपूर्ण संस्थान है उनसे पढ़े लोगे लोग शामिल नहीं होंगे। जिनके पास एमबीबीएस की डिग्री है, जो सीए है और जो सीएमए है, ऐसी योग्यताओं को धारण करने वाले व्यक्ति भी इसमें शामिल नहीं होंगे। और इसी के साथ में कहा गया है अगर किसी परिवार में एक सरकारी नौकरी भी है, जैसे आप हैं 21 से 24 वर्ष आयु है, आप इस योजना में आना चाहते हैं लेकिन आपके पिता के पास सरकारी नौकरी है, माता के पास सरकारी नौकरी है, पत्नी के पास सरकारी नौकरी है, पति के पास सरकारी नौकरी है, तो आप इस योजना में शामिल नहीं होंगे। साथ में कहा गया है जिस परिवार की वार्षिक आय 8,00,000 से अधिक है ऐसे लोग भी इस योजना में शामिल नहीं होंगे। तो 8,00,000 से कम आय होनी चाहिए, घर में किसी के पास भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, एमबीबीएस सीए सीएमए की डिग्री नहीं होनी चाहिए
आईआईटी आईआईएम जैसे महत्वपूर्ण प्रमुख संस्थानों से पढ़े लिखे नहीं होने चाहिए, सब आपको यहां पर शामिल किया जाएगा। अब जैसा मैंने पहले बताया प्रति माह 5,000 रुपए, इस हिसाब से पूरे साल में 60,000 रुपए तथा 6,000 रुपए आरंभ में एक मुफ्त में यह आपको प्राप्त होगा। जो 5,000 रुपए प्रति माह प्राप्त होंगे उसमें से सरकार का जो योगदान होगा 4,500 रुपए का होगा और कंपनी इसमें आपको अलग से 500 रुपए जोड़कर 5,000 रुपए आपको प्रदान किए जाएंगे एक वर्ष तक। ये इस योजना के लाभ है। जो जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं जरूर इसका लाभ लीजिएगा, आप लोग भी स्किल्ड होंगे। तो ये हमारा टॉपिक था। इसी प्रकार के अन्य टॉपिकों को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए रिजल्ट मित्र के साथ में। थैंक यू। जय हिंद।